साहस सरोकार। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी, महाराज सिंह कॉलेज में निकाय सम्मेलन को किया संबोधित। लखीमपुर में राज्यपाल ने आयोजित कार्यक्रमों में की शिरकत, राज्यपाल का हुआ भव्य स्वागत। गाजियाबाद में कुमार विश्वास को युवक ने दी धमकी, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। देवरिया में भाजपा नेताओं ने आयोजित की बैठक, नगर निकाय चुनाव पर बनाई रणनीति। कानपुर अवैध खनन पर प्रशासन हुआ सख्त, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराज सिंह कॉलेज के खेल मैदान पर निकाय सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं जिले भर में प्रबुद्ध जनों को इसमें आमंत्रित किया गया है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है, साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं। से एक मार्ग बन रहा है और वह भी सहारनपुर के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसके अलावा यहां पर तमाम अन्य कार्यों का, सड़कों का निर्माण हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहां की सड़कों का, यहां के ब्रिजेज का, इन सभी का निर्माण होने के साथ ही माँ गंगा और यमुना का आशीर्वाद तो यहाँ के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता ही था, लेकिन साथ साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप साकार करने के लिए कार्य हो रहा है। और इस पर भी हम तेजी के साथ आगे कार्य कराते हुए हर बस्ती को, हर घर को शुद्ध पेयजल के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। खबर लखीमपुर से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जनपद पहुंच गई, आयोजित कई कार्यक्रम में शिरकत किया। राज्यपाल पुलिस लाइन ग्राउंड और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर जानकारी भी ली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि शामिल हुई राज्यपाल। इस दौरान मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित भी किया। राज्यपाल कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद पलिया के लिए रवाना हो गई। खबर फरीदाबाद से है, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्थानीय जनता को संबोधित किया, सरकार की चल रही योजनाओं के संबंध में जानकारी भी दी और उन्होंने बताया कि अगले साल तक 2573 करोड़ रुपए की लागत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित की जाएगी, जिसमें 85 बस, नया बस टर्मिनल, बाबा हृदय राम कुंड के सौंदर्यीकरण, उच्च गुणवत्ता की सड़कें, अन्य कई योजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भ्रष्टाचार अधिकारियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। पहली सरकार है जो अधिकारियों को, जो ब्लैकलिस्ट, जो गंदे अधिकारी है जो रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं इस सरकार के अंदर, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें बंद करने का काम कर रही है सरकार। ये वाकई काबिले तारीफ है कि विजिलेंस की टीम जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है। और मैं बधाई देता हूँ अपने क्षेत्र को कि माननीय मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से आज हमारे एरिया में जहाँ पर पानी की समस्या थी, सेक्टर 23 से संजय कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी, शिव कॉलोनी और शहीद नगर और सेक्टर 52, इस पूरे क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से आज हमें पानी की जो सौगात मिली है उसके लिए मैं आभार करता हूँ अपनी पूरी जनता की तरफ से। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
खबर देवरिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सलीमपुर पार्टी कार्यालय पर नगर पंचायत चुनाव से संबंधित बैठक आयोजित की। चुनावी प्रभारी रामदास मिश्र ने प्रत्याशी का ऐलान आरक्षण की घोषणा के बाद शीर्ष नेतृत्व तय करा गया, साथ ही कार्यकर्ताओं की मदद से आगामी चुनाव जीतने का मंत्र भी दिया। मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से चुने गए प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश यादव, त्रिपुणायक विश्वकर्मा समेत कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मशहूर कवि कुमार विश्वास को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम लोकेश शुक्ला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कुमार विश्वास को पहले भी कई बार ईमेल भेज चुका है, जिसमें उसने खुद की लिखी कविताएं भेजी थी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस बीच आरोपी ने कुमार विश्वास के कुछ बयान सुने, जिसमें कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसी बात के गुस्से में आरोपी ने कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी दी और अमर्यादित टिप्पणी भी की। लोकेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास पर अमर्यादित टिप्पणी की थी और उनको धमकी भरे मेल किए थे, तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विरुद्ध भी इनके द्वारा तरह तरह की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इसके संबंध में उचित धाराओं में इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत करके और इनके जो मेल आए थे उसके माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया गया था, इनको पकड़ के लाया गया। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ये सारी घटना करना स्वीकार किया गया है और इनको उचित धाराओं में इनको न्यायालय से रिमांड स्वीकृत कराई जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खनन माफियाओं के विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर डंपर, जेसीबी समेत कई जिला अधिकारी और खनिज विभाग अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से अवैध खनन से संबंधित शिकायतें मिल रही थी, जिस पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 डंपर और 2 जेसीबी जब्त की गई हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां शराबी युवक पैर फिसलने से अरावली जंगल की 200 फुट खाई में जा गिरा। युवक के दोस्तों की सूचना पर पहुंची पुलिस रात के समय युवक रेस्क्यू नहीं कर सकी, तो वहीं दूसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव खाई से बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की उच्च स्तरीय जांच की तैयारी कर रही है। पुलिस प्रवक्ता ने आम जनता से जोखिम भरी जगहों पर मौज मस्ती ना करने की अपील भी की। कल करीब 7 बजे के आसपास पाली चौकी इंचार्ज को सूचना मिली थी कि उसके एरिया में कोई युवक जो गहरी खाई है, करीब 200 फुट गहरी है, उसमें कोई गिर गया। मौके पे पुलिस गई, वहाँ पे अंधेरा था, तलाश करते रहे उस जगह को और बाद में पता लगा कि एक आदर्श नगर कॉलोनी निवासी जो कमल है, HPL कंपनी में काम करता है सेक्टर 6 में, और वो उसके वहाँ गहरी खाई में गिरने की वजह से, और उसकी बाद में पता लगा कि मौत हो गई, जिसकी रात भर पुलिस उसको निकालने में जुटी रही और अभी उसको सब को BK हॉस्पिटल में रखा गया है। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने नेतृत्व में बनी टीम राहुल गुप्ता हत्या के मुख्य दोषी को सांडी रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने हत्या की वारदात स्वीकार की है और निशानदेही पर मृतक का शव और हत्या की वारदात में प्रयोग किए गए उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। को पुलिस को ज्ञात हुआ था कि एक मृतक है राहुल गुप्ता शहर के, इनकी लाश मिली थी, गर्दन व सर पर चोट के निशान थे। इसमें इनके परिजनों द्वारा नामजद एफआईआर की गई थी, जो कि अपने भाई और अपने भतीजे ललित कुमार उर्फ निशु और अन्य दो अन्य परिजनों के खिलाफ की थी कि प्रॉपर्टी के विवाद में उसके द्वारा हत्या की गई थी। निशु के बारे में पड़ताल में ज्ञात हुआ था कि घटना से पहले मृतक के साथ वह गया था, कहीं जाता हुआ दिखाई दिया था, किंतु वह फरार हो गया।
इसकी वजह से ये घटना का खुलासा नहीं हो पा रहा था। आज मुखबिर की सूचना पर ललित उर्फ निशु को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बच्चों और लोगों को कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाएं यहां सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैशाली इलाके का है, जहां वैशाली सेक्टर 7 स्थित रामप्रस्था सोसाइटी के मुख्य गेट से दूसरे गेट की तरफ निकलते हुए 11 वर्षीय बच्ची पर 3 स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। गेट के बाहर मौजूद कुत्ते बच्ची को देखकर उस पर झपट पड़े। किसी तरह कुत्ते से बचते हुए बच्ची सोसाइटी के गेट की तरफ वापस लौटी और सोसाइटी के गेट के अंदर घुस गई, जहां गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते को भगाकर बच्ची को कुत्तों से बचा लिया। मामला कुछ नहीं है, मेरी बेटी स्कूल से आई। स्कूल से आने के बाद उसको थोड़ा सा काम था, तो वो पीछे हमारे घर से निकलते साथी पीछे वाले गेट पे स्टेशनरी शॉप है, वो पेन लेने जा रही थी। वो गेट को क्रॉस भी नहीं कर पाई थी कि कुत्तों ने उसके ऊपर हमला करा, वो भागी और एक कुत्ते ने उसके पीछे उसको काट लिया। जो डॉग बताए जा रहे हैं ये रोड स्ट्रीट है या पालतू है? नहीं, ये सब स्ट्रीट डॉग्स हैं। जो रामप्रस्था ग्रीन्स के अंदर ही 100 से 125 कुत्ते रहते हैं, उन्हीं में से ये कुछ 4-5 कुत्ते हमारी सोसाइटी के जस्ट बाहर बैठ के उनको खाना वाना फीड करा देते हैं। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की उदासीनता के चलते हजारों निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही राम भरोसे हैं। आपको बता दें कि बारिश के दौरान सुलभ आवास योजना की दीवार ढह गई थी, जिसके बाद LDAVC ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था और अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि तत्काल क्षतिग्रस्त दीवार का कार्य शुरू कर दिया जाए। लेकिन महीनों बीतने के बाद भी जब कार्य शुरू नहीं हुआ तो सुलभ आवास के निवासियों ने विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि यदि अगले सप्ताह तक कार्य शुरू नहीं किया गया तो कुर्सी रोड स्थित सुलभ आवास योजना के सामने रोड का घेराव करेंगे। तो वहीं प्राइम टीवी के संवाददाता ने सुलभ आवास जाकर वहां के हालातों का जायजा लिया। ये सुलभ आवास नहीं, ये सुलभ शौचालय है। इससे अच्छे तो सुलभ शौचालय साफ आपको दिखेंगे ऑल ओवर, कहीं भी आप घूम लीजिए लखनऊ या उसकी आप कंट्री में कहीं भी। उससे भी बदतर इस सुलभ आवास की कंडीशन है। वो अभी सब आप लोगों को जितने भी सुलभ मेंबर्स हैं सबने आपको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, लेकिन आज तक कोई भी निवारण इसका नहीं हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द VC जी से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द सही समय पे उचित समय पे करा ले, वरना कोई घटना घटेगी उसके जिम्मेदार VC ही होंगे। यहाँ ये है, जब से ये अपार्टमेंट बना है तब से तो ना इसकी पुताई हुई है और जो इन्होंने लगा रखी होता है उसमें ना तो जीने में कहीं वायरिंग है ना बल्ब लगे हुए हैं, ना सड़क हो रही है ना दीवारें उठ रही है। स्थिति यहाँ की स्थिति यह खराब हो गई है कि यहाँ कोई देखने वाला अधिकारी नहीं है LDA का। हमारा तो वैसे भी मुकदमा LDA के खिलाफ चल रहा है ऑलरेडी है, और कब्जा 2 साल में देना है, 5-5 साल में 6-6 साल में देते हैं और कोई मेंटेनेंस चार्ज यहाँ सुलभ शौचालय में नहीं। इसको बस्तर और अपार्टमेंट से बस्तर स्थिति यहाँ की बना रखी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के कारनामे आपने लगातार सुने होंगे, पूरे शहर में लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो कारनामे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा कि लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित जानकीपुरम विस्तार में सुलभ आवास योजना बनाई गई है। यहाँ पर 400 फ्लैट्स हैं और हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अभी पिछले महीने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने इस एरिया का जायजा लिया था। जब बारिश के कारण यहाँ पर जो दीवार ढह गई थी उसका उन्होंने जायजा लिया था। हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दीवार ढही हुई है वहाँ पर एक महीने से किस तरीके से पर्दा बांध करके काम चलाया जा रहा है और पीछे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और इन लोगों ने जो यहाँ के रिहायशी जो इलाके के जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को शिकायत किया था, तो LDAVC यहाँ आकर के सर्वे किए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इसे बनवा दिया जाएगा। लेकिन अभी 1-2 महीना बीतने को आ रहा है, अभी यहाँ तक कोई काम सुचारू रूप से पूरा नहीं हो पाया है। तो लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से भी जिस तरीके से यह बाउंड्री यहाँ पर दीवार ढही हुई है तो इन लोग कहीं ना कहीं सख्ते में हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ स्थानीय परिषद के जो निवासी, हम उनसे बात करेंगे कि इनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उसको किस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण को अवगत कराया था और क्या अभी तक इन लोगों को यहाँ पर काम कराया गया या नहीं कराया गया, क्या समस्याएं थी आपकी और यहाँ पर किस तरीके का काम पूरा किया गया। सितंबर माह में बारिश तेज होने से ये दीवार गिर गई थी
कंप्लेन करने पर डीसी महोदय के द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि ये सुलभ आवास में केवल इस दीवार की ही बात नहीं, दीवार जल्द से जल्द कल ही से काम शुरू हो जाएगा, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया। दूसरी बात, पार्क में पानी भर जाता है, पार्क के संबंध में उन्होंने कहा कि इसका भी सौंदर्यीकरण करा दिया जाएगा तीनों पार्क का, और पानी के विषय में उनको समस्या बतलाई गई थी, इसके लिए कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। तो लगातार खामियां ये बता रहे हैं जो यहाँ सुलभ आवास के जो निवासी हैं, लगातार खामियां बता रहे हैं कि यहाँ कहीं के सीपेज की समस्या है, तो कहीं पानी टंकी की समस्या है, एक ट्यूबवेल बनाया गया है और यहाँ पर वो पानी भी आवश्यकता अनुसार पूरा नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अभी कल ही ये सूचना यहाँ से दिया दे रहे हैं कि अभी एक दिन के लिए ट्यूबवेल खराब हो गया था, तो पूरे दिन तक पानी नहीं मिला इन्हें। हालांकि बन गया उसके बाद पानी आया, लेकिन ये समस्या बनी हुई है। और इनका ये भी कहना है कि पानी की टंकी में साफ सफाई और पूरा बालू जमा हुआ है। और भी हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हम एक बार उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ जो मेन समस्याएं, अभी LDA जिसे यहाँ पर आए थे उन्होंने बात कही थी और यहाँ से वादा करके आप लोगों से गए थे जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो क्या लगा कि अब वो काम करने के इच्छुक हैं या नहीं करने के इच्छुक हैं? पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, 16 सितंबर को जिस समय पर ये बाउंड्री टूटी थी तो सबसे पहला शख्स मैं ही था जिसने इस बात को उठाया था और VC साहब को पर्सनल उनके फ़ोन पर कहा भी था कि आके एक बार निरीक्षण कर लें और यहाँ जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको जल्दी से जल्दी दूर करा दें। यहाँ के लोगों की सबसे बुरी दुर्दशा ये हो रही है कि पीने को पानी मुहैया ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो यहाँ पर पानी की टंकी है उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ही अनुरक्षण किया जाना था और किया जा रहा था जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन आज तक उसकी साफ सफाई नहीं है। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो वादे किए थे सुलभ आवास देने के समय, क्या वो वादे पूरे हुए हैं आपके? एक भी वादे नहीं पूरी हुई है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि यूँ ही नहीं, कोई बेवफा होता, कोई न कोई मजबूरियाँ होता। क्या है कि ये जो समस्या है, अभी कल ही मेरा लड़का यहाँ पे खेल रहा था, इधर से एक पालतू कुत्ता जो है जो खतरनाक है, आवारा कुत्ता है, उनको नोचने से बिल्कुल अब छूट जाता, दौड़ा लिया था नोचने के लिए, लड़का मेरा भाग करके किसी तरह से अपना जान बचाया। सबसे बड़ी परेशानी यही है। उसके बाद माननीय BC महोदय आकर के यहाँ 6 गार्ड मुहैया कराए थे, 2 गार्ड मौके पे हैं, 1 गार्ड को यहाँ रहना चाहिए दिन में, ये दोनों गार्ड बिल्कुल बेकार हैं, 2 ही गार्ड हैं, 6 गार्ड BC साहब कहे थे लगाने के लिए, एक वहाँ रहता है बैठ के पान खाता है दिन भर, और एक यहाँ रहना चाहिए वो भी दिन भर बैठ के वहाँ मटर गश्ती करते हैं। सर ये समस्याएं हैं, ये लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से खामियां नज़र आ रही हैं सुलभ आवास में, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरी तरीके से कान में रुई डालकर बैठा हुआ है। आप देखिए, हमारे साथ वीडियो हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो ये दीवार ढह गई थी बारिश में सितंबर माह में, ये इस तरीके की यहाँ पे दीवार ढहने का जो हुआ था, काफ़ी लंबी, करीब 100 फुट लंबी दीवार ढही हुई है, उसके पीछे पूरी गंदगी का अंबार है, जिस तरह से डेंगू भी फैल रहा है और अराजक तत्व भी इधर से आ सकते हैं, इसे इधर अंदर आ सकते हैं और किसी तरह का भी जानवर भी अंदर प्रवेश कर सकता है, तो इसको लेकर के ये यहाँ के जो परिसर के निवासी हैं काफ़ी चिंतित हैं। अब देखना यह होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। हालांकि वो सितंबर माह में आए थे और पूरा आश्वासन देकर के गए थे, फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आगे देखना होगा कि अब कार्रवाई वो करते हैं या फिर मामला ऐसे ही सिफर रहेगा। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, Prime TV लखनऊ। औरैया में BJP विधायक और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक विभाग के राज्य मंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां BJP कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति भी बनाई। साथ ही राज्य मंत्री ने मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मीडिया से बात भी की। पार्टी द्वारा आज दीपावली मिलन समारोह और यह मनाया जा रहा है, इसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे कार्यकर्तागण सब लोग इकट्ठा होकर दीपावली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे की रणनीति जैसी होगी आप लोगों को बताएंगे। लखनऊ के गोमती नगर स्थित शिरोज कैफे में सुरताल संगम संस्था द्वारा बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंद बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल कूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, साथ ही बच्चों को पुरस्कार भी बांटा गया। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य राहुल गुप्ता और विशिष्ट अतिथि शुभांकर भट्टाचार्य, जो कि नेशनल मीडिया स्पोर्ट्स के
पर्सन हैं शामिल हुए। साथ ही इनके साथ कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और वरिष्ठ पत्रकार भी कार्यक्रम में शामिल रहे। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।